आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं पंचकुला से। पंचकुला के सेक्टर 16 के पास इंदिरा कॉलोनी के पार्क में मिला एक बम शेल। मौके पर सेक्टर 16 के इंचार्ज सेक्टर 14 के एसएचओ योगविंदर सिंह, क्राइम ब्रांच 19 के इंचार्ज करमवीर सिंह, सेक्टर 26 के सीआईए इंचार्ज महेंद्र सिंह और पंचकुला के एसीपी सुरेंद्र यादव और एसीपी राजकुमार रंगा और पूरी फोर्स मौजूद रही। पंचकुला के डीसीपी सुमेर प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे। बम को डिफ्यूज करने के लिए आर्मी की कई टीमें पहुंची। मौके पर कर्नल जसदीप सिंह संधू आर्मी एडवाइजर और वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर की आर्मी भी मौके पर पहुंची। आर्मी के साथ डॉग स्क्वाड भी मौके पर आया। सेक्टर 14 के एसएचओ योगविंदर सिंह ने बताया कि जब बम की सूचना हमको मिली थी और हम मौके पर ही सभी अधिकारी पहुंच गए और आर्मी को बुलाकर हमने बम का शेल आर्मी को सौंप दिया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। हाँ जी सर, बताएंगे एक बम शेल मिला है सर, बताएंगे सर क्या था सर ये? ये हमारे पास 112 के थ्रू एक सूचना आई थी कि बुडनपुर जो पार्क है इसकी दीवार के पास एक बम रखा हुआ है। ये सूचना पे हम अपने पूरे स्टाफ के साथ आए और हमने इसकी जो सूचना है वो चंडी मंदिर जो कैंट है आर्मी जो एरिया है उसके अंदर दी। वहाँ से बम स्क्वाड जो डिस्पोज टीम है वो आई और वो अभी इसको डिस्पोज करने के लिए अपने साथ लेके जा रही है। कितने बजे की सूचना है थी? ये हमारे पास सूचना लगभग 10:30 बजे के आसपास आई। ये सेल कौन सा था? ये अभी आर्मी की जो टीम आ रखी है वो देखने के बाद में और उनसे पूछने के बाद में पता चल पाया लगा था ये कौन लेके आया था, कैसे यहाँ तक पहुँचा। देखिए अभी जांच का भी सही है, जांच कर रहे हैं हम और कौन लेके आया था ये जल्द ही जो है पता लग जाएगा।